कैसे कर ले आप? मैं आपको लिख ले, लेकिन आपने रेसिपी नहीं लिखा है, तो बिना इसके कर लें। देन आप इसमें ज़ीरा ऐड कर दें, कलौंजी ऐड कर दें, थोड़ा सा मैं इसको भुनाई कर लूँ ना। ऑयल में चॉप अनियन को सौते किया और जीरा डाला, कलौंजी डाली, चॉप टमाटर दीजिएगा। फिर कितने कितने डाले? सब लिखवा दूँगा, लेकिन आप डाल दिया आपने, ठीक है? थोड़ी कुछ डाली, हाँ तो डाली। जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए मैं उतनी दूँगा। चॉप टमाटर डालने के बाद ये जो कटिंग वाले आलू होते हैं तो हम कहते हैं पैदान कटिंग वाले, किसी भी शेप घरों में ऐसे करते हैं ना। आलू डाल दें, अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल रहा हूँ, इसमें से एक चम्मच भी डाल दीजिए। हल्दी जाएगी, किसी भी लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, ठीक है? इसको अच्छे से भून लें, भूनने के बाद इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, मसाला डाल के पानी डाल के सबसे ऊपर में गरम सब्जेक्ट फिर डन हो जाएगा। हमने सर गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के इसको डिश ऑफ करें, ठीक है? आटा गुनवा के मैंने रख दिया, सिंपल आटा जैसे वो आलू की करते थे कि भुजिए पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट में ये भी सर्व करते हैं, ठीक है? कवर करूँगा, लाजमी होनी चाहिए ताकि मसाले का कच्चापन खत्म हो, टमाटर प्याज का कच्चापन खत्म हो, लेंगे सब्जी का भी कच्चापन होता है वो भी बुनाई से ही खत्म होता है, चाहे आलू हो चाहे कोई भी सब्जी हो। इसी स्टाइल से आप चटनियाँ बना सकते हैं, चटनियाँ बोलते हैं ना उसको, चटनियाँ कहते हैं, बहुत मज़े की बनती है चटनियाँ, इसी शेप में काटनी, इसी रेसिपी से बनानी, बहुत मज़े की बनती है। मैंने एक दफ़ा खाई थी, मुझे गलती से आलू जगह खिला दी गई, मैं इसमें पानी डाल के इसको
छोड़ो, ये गल जाएगी। वाटर कितना डेले करता है? लीटर का पानी डालो, बनाना आपने जितनी ग्रेवी हमें रखनी है, ग्रेवी नहीं रखनी चले चले, अभी आपको मोलो खिलाते हैं सेकंड हाफ में। मोलो की इतनी ना मोलो जो भी है थोड़ी सी कम टाइम पे हरी मिर्च जाएगी, हरा धनिया जाएगा, और ये पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर।